So your last script has had all the things in place. Yeah. A good producer, a good director. Yeah. A good this team was just the star cast. Yeah, yeah. Then I mean, when you look at the performance, yeah, where do you think it has? Well, you know, I. I would like to say that, you know, I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. Humne koshish puri ki. Koshish mein koi bhi kasar nahi chhodi humne. Lekin kahin na kahin hum galat gaye. कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी और इस बात का हमें एहसास है तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए हैं और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए मैं उनको आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया कोशिश हमने पूरी की थी लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया जैसे ही मैं डिसाइड करूंगा मैं बताऊंगा आपको आमिर जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान होता है उसे कोप अप करना तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब वही करने की कोशिश कर रहा हूं वही कोशिश करने की सॉरी हां एक्टर्स डू हैव काइंड ऑफ सम सेंस लाइक क्या समझ में आता है क्या हुआ हां डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यार ये सारी चीजें मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूं क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना वैसे मेरी फिल्में होती हैं तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं मेरे ही बच्चे हैं वेल आई थिंक दैट एन ऑडियंस इज़ फ्री टू यू नो से वॉट दे वॉन्ट टू से अबाउट अ फिल्म They are free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best. And I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try harder. Are there rumors that with Thugs you are concentrating on, you're focusing on the Chinese market now? Is that true? The China release will be happening next month. So certainly, let's hope and see what happens then. Aamir, what do you think? What went wrong? Like people are saying direction was not nice. Again, I won't want to discuss that publicly.